بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम आपको उकाड़ा शहर की मुकम्मल दस्तावेजी फिल्म पेश करेंगे जिसको बनाने के लिए हमारे साथ तावन किया है ज़ियाद राना और उसामा आटोज ने। नाज़रीन इकराम, इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे खूबसूरत शहरों की मुकम्मल दस्तावेजी फिल्म देखने के लिए HD पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली नई डॉक्यूमेंट्री वीडियो फिल्म का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उकाड़ा शहर 19वीं सदी में आबाद हुआ, जबकि ज़िला उकाड़ा में शामिल कस्बा जात पुरानी तारीख का हिस्सा हैं। एक रवायत के मुताबिक यहां ओका के दरख्त हुआ करते थे, इस लिहाज से यह इलाका ओकावाला के नाम से मशहूर हुआ। ओका, वन और करी के दरख्त ऐसे दरख्त हैं जिनको काफ़ी अरसा तक पानी ना भी मिले तो ये परवरिश पाते रहते हैं। बढ़ती हुई उकाड़ा शहर की आबादी जो तकरीबन 28 लाख है, इनकी सफरी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए जदीद तर्ज तामीर का रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है जिसकी बुनियाद 22 जनवरी 2018 को रखी गई। शहर उकाड़ा में ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए अंडरपास मौजूद हैं। अगर सैर व तफरी की बात की जाए तो उकाड़ा शहर के दिल में मौजूद जिना पार्क है। इसके अलावा सबसे बड़ा कंपनी बाग जिसे अब कैप्टन सफदर के नाम से जाना जाता है, जबकि फैमिली पार्क में मौजूद मियां मोहम्मद जमान कम्प्लेक्स, पुरानी माल मंडी अकबर रोड की जगह इंतहाई खूबसूरत जदीद पार्क बनाया गया है।
और उकाड़ा बाईपास पर फरीदोद्दीन वाटर पार्क बनाया गया है। उकाड़ा की खूबसूरती में खास इजाफा करते हुए तमाम इदारे एक ही जगह पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। फापदा, जिला कौंसिल, डीपीओ ऑफिस, डीसीओ ऑफिस, कोर्ट और कचहरी, स्टेडियम, एजुकेशन डिपार्टमेंट और इसके अलावा रेस्क्यू 1122 ऑफिस भी मौजूद है। लाहौर की याद को ताज़ा करते हुए उकाड़ा शहर में शाही किले की यादगार तामीर की गई है, जो उकाड़ा शहर में आने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस बनती है। उकाड़ा का स्टेडियम रेलवे रोड पर मौजूद है। उकाड़ा शहर कारोबारी लिहाज से भी अच्छा शहर जाना जाता है, जबकि इसको दूध की नदी भी कहा जाता है। उकाड़ा शहर का मशहूर चौक गोल चौक है, जहां एक खूबसूरत मस्जिद जामिया उस्मानी मौजूद है। जामिया उस्मानिया में एक मदरसा भी कायम है, जो बच्चों को कुरान और हदीस के इल्म से रोशनास करवा रहा है। तमन्ना मोदतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमाम अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, इमाम अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा। उकाड़ा शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हुए शहर के वस्त में जामिया मस्जिद गौसिया अपनी मिसाल आप है। जामिया मस्जिद गौसिया दीनी तालीम का मरकज है, जहां पर दूर दराज से गांव के रहने वाले तलबा दीनी तालीम, नाजरा, हिफ्ज़ो कुरान, कुरानो हदीस की दरसो तदरीज करते हैं। तभी सहूलियात के लिए उकाड़ा शहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद है, यहाँ के लोगों को तभी सहूलियात मुहैया कर रहा है। रेलवे फाटक के सामने बेनजीर चौक मौजूद है, जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के नाम से मंसूब किया गया है। तहसील रोड, फैसलाबाद रोड, ओवरब्रिज रोड एक ही पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं, जिसको प्याला चौक का नाम दिया गया है। उकाड़ा शहर में बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ है।
उकाड़ा शहर की गला मंडी और सब्जी मंडी का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन मंडियों में किया जाता है। उकाड़ा शहर आलू, मकई, चावल के एतबार से इंतहाई शोहरत रखता है। इसके अलावा उकाड़ा शहर की गंदम, गन्ना, कपास, सरसों, ज्वार, बाजरा और जौ वगैरह भी काश्त की जाती हैं। उकाड़ा आलू और मकई की मंडी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में है। उकाड़ा शहर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तआवुन किया है ज़ियाद राणा और उसामा आटोज ने। इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे खूबसूरत शहरों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के लिए HD पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और शेयर करना मत भूलेगा। इसके साथ ही मोहम्मद इकराम खान को और इसकी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।